तो आज हम यहाँ पे स्पेशल इनसे पूछने के लिए आए हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी से को ये सपोर्ट करती हैं। मैं जी पीटीआई को बहुत बहुत दिल। क्या मैम वजह को आपको इमरान खान साहब इतना पसंद है? मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से कौम को जगाया है, उन्होंने जिस तरह हमारे सामने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, उन्होंने कौम को जगा दिया। मैं पठान हूँ और मैं पश्तो स्पीकिंग पठान हूँ, वो अगर सिंधी भी होते बाय दैट फॉर दैट मैटर तो इतने ही पसंद होते। जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों मान लेंगे हम, हम कोई गुलाम तो नहीं। आपको मौका मिले फ्यूचर में तो आप इस पूरे सॉन्ग को पश्तो में अपने नाज़रीन को सुनाएंगे अपने अपने प्लेटफॉर्म? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। खान साहब लजी जमादा मैसेज थी तासो देर से पल ख्याल साथ ही जकचे अगर तासो बट्टी की है नो टोल आवाम बतासो सर में बिल्कुल ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आर पी पॉडकास्ट। नाज़रीन इस वक्त एक बार दोबारा हम आरज़ू फातिमा के घर आए हैं यहाँ पे, उनके ये जनाब सेंसेशनल स्टार हैं, इनसे बात करने का मज़ा आता है, जो इनका टैलेंट है वो देख के जनाब दिल बाग बाग हो जाता है। तो आज हम यहाँ पे स्पेशल इनसे पूछने के लिए आए हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी से को ये सपोर्ट करती हैं। तो अगर तो ये हान साहब को करती हैं तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी, फिर हान साहब के लिए भी कोई इनसे हम सॉन्ग सुनेंगे कि हान साहब तक इनकी आवाज़ पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम बहुत शुक्रिया आप टाइम देती हैं हमें, तो स्टार्स टाइम नहीं किसी को देते। मैडम किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करती हैं आप? मैं जी पीटीआई को बहुत बहुत दिल से पसंद करती हूं। नाज़रीन कसम से समझ नहीं आती। चलो लड़के तो करते ही करते हैं हान साहब से प्यार, जनाब लड़कियां हो जो मर्जी हो हान साहब से इश्क है। क्या मैम वजह को आपको इमरान खान साहब इतना पसंद है? मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से कौम को जगाया है, उन्होंने जिस तरह हमारे सामने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, और जिस तरह से वो होता है ना कि हमें आदत पड़ गई थी गलत सहने की, झूठ सहने की, तो उन्होंने कौम को जगा दिया। मैडम आप एक्सेंट से पंजाबी लगती नहीं है वैसे, आप पंजाबी हैं कि पख्तून हैं? मैं पठान हूँ और मैं पश्तो स्पीकिंग पठान हूँ लेकिन मैं लगती पंजाबी। नाज़रीन आज एक नई चीज़ रिवील होगी, ये पठान है जनाब। तो आप इस वजह से हान साहब से कोई मोहब्बत तो नहीं करती, उनकी रिस्पेक्ट तो नहीं करती, वो आपकी बरादरी के हैं या वैसे ही उनका काम पसंद है आपको? नहीं नहीं जी, मुझे लगता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान, वो तो जात पात तो इस तरह मैटर नहीं करती, बिल्कुल वो अगर सिंधी भी होते बाय दैट फॉर दैट मैटर तो इतने ही पसंद होते। जो इंसान इंसाफ का और सच का साथ दे तो उसको कौन नहीं पसंद। देखिए मैडम आपको ये बात नहीं, हमने सॉन्ग्स देखे हैं, आपने हर मौके पे सॉन्ग्स बनाया कोई ना कोई। हान साहब को फायर लगे थी ना, आपने उन पे कोई सॉन्ग नहीं बनाया, ये ज्यादती नहीं है फिर हान साहब के साथ? उनको भी आप कोई सॉन्ग डेडिकेट करती ना, ताकि मैं भी आपको सरप्राइज देती हूँ, फिर मैंने कुछ सोचा है उनके लिए, मैं आपको ढोलकी पे बजाती हूं। ओह माय गॉड, हान साहब आपकी तो जनाब सुनी जाएगी। तो मैडम हान साहब अभी का लीडर आपको क्यों पसंद है, क्या वजह की आपको वो पसंद है, बाकी तमाम लोगों को भी पसंद है, आपको क्या क्यों पसंद है वो? जी लाइक आई सेड के अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि देखें हम जी, हमें बहुत ज़्यादा कई सालों से आदत हो गई है एक ऐसे निज़ाम में रहने की, एक ऐसे गलत सिस्टम में चलने फिरने के हम लोग आदि हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि अच्छा सीधी चीज़ या ठीक चीज़ लगती कैसे। तो अब जब वो फाइनली वो चेंजेस अब हम लोग अपनी कंट्री में देख रहे हैं, जो जो पॉलिटिकल चेंजेस भी अब हम लोग देख रहे हैं, तो वो देख के एहसास होता है कि नहीं, मतलब इंसान को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप अपनी मदद करेंगे तो जो है सारे लोग इस तरह इकट्ठे होके और चेंज कर सकेंगे मुल्क को। मैडम आप क्या कह समझती हैं, अगर हान साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे कम बैक करेंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बना बनेंगे वो? मुझे पूरा पूरा यकीन है इंशाल्लाह ऐसा ही। उनके ऊपर भी कोई आप सॉन्ग्स बनाएंगे फिर? मैं बिल्कुल बनाऊंगी उनके लिए। अच्छा जी 100% बनाएंगे। चले कुछ सुनाए हमें हान साहब के लिए, क्या बनाया आपने? मैं आपको अभी मैम वाह। अच्छा मैडम आपने तो जनाब सुमन शेख की याद ताज़ा कर दी है। सुमन शेख साहिबा जनाब हमारी लेजेंड सिंगर हैं, उन्होंने जब ये गाना हान साहब के लिए गाया तो हान साहब ने बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया और डेकोरम से जनाब उनको अब VIP इनविटेशन देते हैं। आपने जो बीच में पश्तो टच डाला है ये क्या है, खुद ही जेहन में अचानक आया कि कोई आपको कहा कि अपने पठान बहन भाई को थोड़ा सुनाऊंगी हो क्या रहा है, क्या बात हो रही है इस गाने में? वही जो आपकी वाली बात है कि क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी हूँ तो मैं वो
इंक्लूसिविटी के चक्कर में, ताकि मेरे पठान बहन भाइयों को भी पता चले कि हम लोगों में भी इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और हम लोग भी जो है ये इस तरह की डेडिकेशंस कर सकते हैं। खान साहब देखिए मैडम, जो आपने कंपोजिशन किया इसके पश्तों में, जो आपने लाइन बोली बड़ी डिफिकल्ट थी, जो आप जिस तरह तलफुज अदा कर रही थी, मैं तो खुद पश्तों का दीवाना हो गया जुबान का। अगर आपको मौका मिले फ्यूचर में तो आप इस पूरे सॉन्ग को पश्तों में अपने नाज़रीन को सुनाएंगे अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने इंस्टाग्राम पर? एब्सोल्युटली Absolutely, yes. Absolutely, yes. चलें जी। खान साहब को नाज़रीन पंजाबियों ने तो बड़े बड़े मैसेजेस दिए हैं, सुमन शेख साहब ने भी पंजाबी ज़बान में दिया था, जो भी इनके चाहने वाले पंजाब के। आज पहली दफ़ा जनाब हमारे साथ जो सेलेब्रिटी मौजूद है उसको पश्तो भी आती है, तो इन्हें कहेंगे खान साहब को पश्तो ज़बान में कोई पैगाम दे और उनके चाहने वालों को पश्तो में कोई मैसेज दे। मैंने उनको पश्तो ज़बान में कुछ मैसेज दे, बाद में हमें तर्जमा करके बताना भैया आपने। खान साहब लजी जमादा मैसेज देते तासो डेर ज़्यादा पल ख्याल साथ ही जकचे अगर तासो बट्टी की आई नो टोल अवाम बतासो सर मैं बिल्कुल टिकी। मैडम ये क्या बात की, आप अगर टिकी टुकी खान साहब को कहें टिकी टुकी खा लें वो क्या क्या बताएं जरा हमें। मैंने कहा ये खान साहब को कि वो अपना ख्याल रखे और वो ठीक रहे, अगर वो ठीक रहेंगे तो आवाम ठीक रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आरज़ू फातिमा बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी है और यकीन माने कि इनके दिल में हर शख्स के लिए प्यार है। जनाब खान साहब तो खुश नसीब है, जनाब पश्तों में भी हम कोई गुलाम है नहीं, सुन नहीं लिया। मैडम खान साहब अगर आपको मौका दें फोर्स पर अपने प्लेटफॉर्म पर कि आप उनकी पार्टी के लिए कुछ डेडिकेट करें सॉन्ग, तो आप जाएंगी? जरूर जरूर। उसके लिए पैसे तो नहीं लेंगे आप, क्योंकि खान साहब जनाब किसी को पैसे पूछ नहीं देते? नहीं, खान साहब के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन अपने इस मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को, हमारी प्यारी से मेहमान आरज़ू मैम को ज़्यादा दें जी। अल्लाह हाफिज़।